बिग बॉस 13 में इस हफ्ते फैमिली राउंड होगा। घर में सभी कंटेस्टेंट से मिलने के लिए उनके परिवार वाले पहुंचेंगे। कल के एपिसोड में आरती के भाई कृष्ण अभिषेक उनसे मिलने पहुंचे। अब एक एक कर सभी के परिवार से कोई ना कोई सदस्य मिलने आएगा। हाल ही में एक प्रोमो सामने आया है जिसमें सिद्धार्थ की माँ घर के अंदर उनसे मिलने के लिए पहुँचती है। माँ को देखते ही सिद्धार्थ उन्हें गले लगा लेते हैं। यहाँ सबसे खास बात यह है कि वो अपनी माँ को सबसे पहले शहनाज से नहीं बल्कि रश्मि से मिलवाते हैं। जी हाँ, सिद्धार्थ कहते हैं कि ये रश्मि है और ये मेरे पेशेंस को टेस्ट करती रहती है। फिर रश्मि कहती है, मैं इसका ख्याल रखती हूँ और ये मेरा ख्याल रखता है। ये सुन सब हंसने लगते हैं। सिद्धार्थ की माँ भी रश्मि से बहुत प्यार से मिलती नजर आई। वही सिद्धार्थ अपनी माँ को देख भावुक हो गए और रोने लगे। बता दें कि बिग बॉस के घर में शहनाज के पिता और माहिरा की माँ भी आएंगी। शहनाज के पिता और माहिरा की माँ दोनों ही पारस की क्लास लगाते नजर आएंगे। शहनाज के पिता अपनी बेटी से कहते हैं कि सिद्धार्थ के साथ तुम्हारा जो कुछ भी है उसे यहीं खत्म कर दो। ये कहते हुए उन्होंने शहनाज को अपनी कसम भी दी। साथ ही पारस की क्लास लगाते हुए कहा कि पहले तुम शहनाज से कहते थे माहिरा तुमसे जेलिस है और अब यही बात तुम माहिरा से भी कहते हो। लड़कियों की इज्जत करना सीखो। वही मायरा की माँ पारस को याद दिलाती है कि घर के बाहर उनकी एक गर्लफ्रेंड है। वो कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड आकांक्षा बहुत प्यारी है और मायरा सिर्फ तुम्हारी दोस्त है, ज्यादा उसे किस्मत क्या करो, देखने में अच्छा नहीं लगता। इनके अलावा शेफाली जरीवाला के पति पराग त्यागी भी घर में आएंगे जो आसिम की क्लास लगाते नजर आएंगे। बिग बॉस का ये वीकेंड काफी एक्साइटिंग और थोड़ा सा इमोशनल होगा। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।